इंडिया खबर लाइव में आपका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत पाकिस्तान की वास्तविक रेखा नियंत्रण पर 10 अप्रैल 2011 को शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल सैनिक परिवार को सरकार व शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं 8 वर्षों में भी नहीं मिल पाई हैं। शहीद की वीरांगना पत्नी व पुत्र पुत्री मुरैना से ग्वालियर भोपाल तक भटक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें सुविधा प्रदान करने का आश्वासन नहीं दिया है। विगत दिवस केंद्रीय कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री से गुहार की है। अब देखना यह है कि शहीद के परिवार को सरकार शासन की सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं। पेश है एक रिपोर्ट। देश की सीमाओं पर सतत निगरानी करने वाले वीर सैनिकों में ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। युद्ध के दौरान शहीद भी अंचल के सैनिक ही सबसे अधिक होते हैं। सरकार व शासन द्वारा इन शहीदों को सम्मान निधि के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, लेकिन मुरैना के शहीद सैनिक महेश बघेल के परिवार को यह सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई हैं। इन सुविधाओं को लेने के लिए उनकी वीर धर्म पत्नी श्रीमती रामकली तथा पुत्र पुत्रियां मुरैना से लेकर ग्वालियर भोपाल के सैन्य अधिकारियों शासन प्रशासन पर अपनी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन आज भी सरकार व शासन की सुविधाओं से वो वंचित हैं। मुरैना में बीएसएफ का आरक्षक शहीद हो गया 2011 में, लेकिन अभी तक उसके परिजनों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। कैसे प्रयास करेंगे कुछ? वो मुझे एक बहन मिली थी, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है वो मेरे पूरे संज्ञान में नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई शहीद हुआ और अभी तक उसकी कोई पेंडेंसी हो। कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु की परिस्थिति कुछ और होती है और हमको कुछ और लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे आज आवेदन दिया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा।